गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप यू विल बी फाइन। हम जो है प्रेजेंट टेंस, हमारा मुख्य जो है वर्तमान काल जो चल रहा है, हम उसके सब टेंस पढ़ रहे हैं और हम दो सब टेंस उसके ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। थर्ड वन आपके लिए प्रेजेंट है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, वर्तमान पूर्ण काल। जैसे कि उसके नाम से पता चलता है, पूर्ण अर्थात इस उपकाल के हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये इसकी पहचान होती है, आइडेंटिफिकेशन होती है। तो इस तरीके से हमें पता चलता है इन वाक्यों के माध्यम से कि इसमें किसी भी कार्य का पूर्ण होना दर्शाया जाता है। इसके जो चार पार्ट्स होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो उसका हम फर्स्ट वन लेते हैं, अफर्मेटिव, या उसे एसर्टिव भी कहा जाता है, जिसे हम अपनी हिंदी भाषा में सकारात्मक वाक्य या सकारात्मक वाक्य भी बोलते हैं। अब उसको हम जो ट्रांसलेशन करते हैं हिंदी वाक्यों की, हिंदी से इंग्लिश में, उसके लिए नियम्स या रूल्स किस तरह से होता है, तो आइए देखें। जब हम वाक्यों का ट्रांसलेशन करते हैं, हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद करते हैं, तो इसका रूल्स ये है कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लेना है, या इसके अकॉर्डिंग अगर हम बोलें तो सबसे पहले वाक्यों का अनुवाद करते समय हम सबसे पहले सब्जेक्ट लेते हैं, कर्ता जिसे बोलते हैं। उसके बाद इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो प्रेजेंट परफेक्ट की हैज और हैव होती है। हैज कहाँ लगती है और हैव कहाँ लगती है, ये थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। जहाँ भी आपका सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर होगा, एक वचन होगा, वहाँ आपको हैज हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है, और जहाँ भी सब्जेक्ट आपका बहुवचन होता है वहाँ आपको हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज़ करना है। तो इस तरीके से हम देखते हैं, सबसे पहले वाक्यों का अनुवाद अगर जब हम कर रहे हैं तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिया, उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, दोनों में से एक जो भी सब्जेक्ट रहेगा उसके अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद हमें लेना है मेन वर्ब थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब जो क्रियाएं होती हैं, वर्ब्स जो होती हैं, वो तीन फॉर्मों में चलती है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो जो भी वर्ब्स होगी, मेन वर्ब आपकी होगी, क्रिया होगी, उसका थर्ड फॉर्म मतलब तीसरा रूप हमको लिखना है। उसके बाद हमें थर्ड फॉर्म लिखने के बाद ऑब्जेक्ट लिखना, अर्थात उस सेंटेंस का जो भी उद्देश्य है, जो भी उसका कर्म है, या उसमें जो भी काम का होना पाया जाता है या दर्शाया जाता है। और उसके बाद हमें फिर जहाँ भी हमारा ऑब्जेक्ट पूरा हुआ, उसके बाद जब सेंटेंस कंप्लीट होता है तो हमें डॉट लगाना है, इंग्लिश में डॉट, और हिंदी में उसे हम पूर्ण विराम के नाम से जानते हैं। इस तरीके से हमारा फर्स्ट रूल्स अफर्मेटिव का कंप्लीट प्रिपेयर हो गया आपके सामने। सबसे पहले सब्जेक्ट लिया, हेल्पिंग वर्ब हैज हैव, उसके बाद मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, एंड देन फुल स्टॉप और डॉट। उसे अगर हिंदी में हम समझें तो सबसे पहले हमारा कर्ता आएगा, फिर उसके बाद सहायक क्रिया हैज और हैव आएगी, फिर उसके बाद मुख्य क्रिया का हमें तीसरा रूप लिखना है, फिर उसके बाद हमें कर्म लिखना है, और उसके आगे जहाँ भी हमारा सेंटेंस खत्म हुआ पूर्ण विराम। फॉर एग्जाम्पल, मरीज दवाई ले चुका है। अब इस सेंटेंस के अंदर जो भी काम कर रहा है तो वो है मरीज, ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये वर्ड्स इसके लास्ट में पाए जाते हैं, चुका है। तो यहाँ पर हम जब इसको ट्रांसलेट करते हैं तो हम देखेंगे, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आया पेशेंट, मेन वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होगी उससे पहले आपको जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है इसकी हैज या है वो कैसे हमको पुटअप करनी है, लिखनी है। तो अब चूंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो मरीज सिर्फ सिंगुलर नंबर में ही है, तो हमारी हेल्पिंग वर्ब हैज हो गई। ले चुका है, टेक मीन्स होता है नॉर्मली लेना, तो थर्ड फॉर्म हो गया उसका टेकन, और दवाई को इंग्लिश में बोलते हैं मेडिसिन। इस तरीके से हमारा फर्स्ट एग्जांपल कंप्लीट हो गया, पेशेंट हैज टेकन मेडिसिन। सेकेंड, मछुआरे मछली पकड़ चुके हैं, फिशरमैन। अब ये चूंकि प्लूरल फॉर्म में है, मछुआरे आपके बहुत सारे हैं, इसके लिए आपकी हेल्पिंग वर्ब हैव हो गई। पकड़ने के लिए कॉट, कैच, थर्ड फॉर्म कॉट, मछलियां, फिशेस। तो इस तरीके से सेकंड सेंटेंस हमारा कंप्लीट हुआ, मछुआरे मछली पकड़ चुके हैं, फिशरमैन हैव कॉट फिशेस। सुनार आभूषण बना चुका है, सुनार को गोल्ड स्मिथ बोला जाता है। अब यहाँ चूंकि एक सिंगल जिसको बोलना चाहिए सुनार है, तो इसलिए उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हमने हैज ली, और मेट मीन्स बनाना होता है, मेट थर्ड फॉर्म, मेट सेकेंड एंड थर्ड सेम होता है। उसके बाद आभूषण ऑर्नामेंट, तो आपका सेंटेंस कंप्लीट हुआ, गोल्ड स्मिथ
हैज मेड ऑर्नामेंट, चौकीदार आपने अपनी सेवा दे चुका है, वॉचमैन शिंगला भी है, एक वचन सब्जेक्ट है आपका इसलिए हैज हेल्पिंग वर्ब आई, वॉचमैन हैज अब सेवा दे चुका, थर्ड फॉर्म सर्व का सर्व थर्ड फॉर्म हो गया, हिज ड्यूटी अपनी सेवा इन द नाइट रात्रि में, इस तरीके से आपका एग्जाम्पल कंप्लीट हुआ, वॉचमैन हैज सर्व हिज ड्यूटी इन द नाइट। चीटियां शकर इकट्ठा कर चुकी है, आंट्स अब बहुत सारी चीटियां हैं सिंगुलर की जगह ये प्लूरल फॉर्म सब्जेक्ट होगा आपका, तो आपने हेल्पिंग वर्ब आपकी हैव हो जाएगी, तो आंट्स हैव कलेक्टेड शुगर। इस तरीके से हमारे पांच जो हमने एग्जांपल्स लिए तो उसमें हमने देखा किस तरीके से सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर नंबर हुआ तो आपको हेल्पिंग वर्ब हैज लेनी है, और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म है बहुवचन है तो आपको हेल्पिंग वर्ब हैव लेनी है, और उसके बाद आपकी जो वर्ब होगी मेन वर्ब जिसे हम कहते हैं मुख्य क्रिया, उसका हमेशा परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म ही आएगा, और उसके बाद जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसको लिख देते हैं। इस तरीके से हमारा ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो चल रहा है उसका हमने जो फर्स्ट पार्ट है अफर्मेटिव वो इस तरीके से कंप्लीट हुआ।